जी को बर्थडे मनाने के लिए गए थे, तो 5:30 बजे अपना वापस आए घर पे। लेकिन घर के अंदर पूरा उनका अलमीरा वगैरह सब तोड़ के सामान बिखरा हुआ पाया गया, तो बिना विलंब करते हुए तुरंत थाना को सूचना दिए हम लोग। FIR दर्ज करते हुए थाना प्रभारी और उनके अपने पूरे टीम DSP के नेतृत्व में इसमें तुरंत छपामारी में लगे, संदिग्ध लोगों से पूछताछ किया और हम लोग को जल्दी काम करने में सफलता भी मिली है। उनके घर से जो भी चीज़ चोरी हुआ है उनके द्वारा जो FIR में लिख के दिया है सभी चीज़ बरामद हुआ जो आपके सामने है। इसमें खासकर जो भी गोल्ड का है सब आर्नमेंट और एक इम्पॉर्टेंट डायमंड रिंग है वो भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इसके अलावा 5 लैपटॉप और 2 टैब और छोटे छोटे जो है कान में पहनने वाले जिनकी झुमका और रिंग और बाकी जो भी है जो आर्नमेंट है सभी चीज़ हम लोग के लिए रिकवरी हो गया है। और इसमें टोटल 3 आदमी शामिल थे इस प्रकरण में, तो एक शेख अरमान समीर और एक माइनर लड़का था। तो इन लोग से हम लोग पूछताछ किए तो इनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के बगल में रहने वाले हैं और हमेशा उनके घर में कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए अंदर गए हैं, तो इनका आइडिया था घर में कैसे घुसना है। तो ये लोग जैसे ही कैब बुक करके बाहर गए तो इन्होंने जो अक्सा ब्लेड है उसी से एक बगल वाला मकान से ऊपर चढ़ के और इस मकान में जो वेंटिलेटर का ग्रिल है उसको काट करके अंदर घुसे और सब सामान इन्होंने साफ करके लेके बगल में एक बिल्डिंग में रखे हुए थे रात में बांटने के लिए। हम लोग को जैसे ही सूचना मिला तो हम लोग तुरंत उनको पूछताछ हेतु उठाएँ। पूछताछ के बाद ये सब सामान पूरा रिकवरी हुआ तो उसके बाद हम लोग विधिवत उनको गिरफ्तार किए हैं और आगे जो है कोरोना जाँच करते हुए अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा बिना विलम्ब तुरंत कार्रवाई करने में हम लोग को पूरा का पूरा सामान जो है हम लोगों को प्राप्त हो गया है और बहुत बड़ी घटना का हम लोग निवेदन कर चुके हैं। इसके पहले भी लोग जेल जा चुके हैं क्या किसी नहीं? अभी तक तो पूछताछ में खुद ये बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सरायकेला जिला में बगल में इनके बॉर्डर थाना है, कपाली है, आदित्यपुर है, उन लोग से भी हम लोग इसको पता करेंगे। अपना भी पूरा रिकॉर्ड हम लोग इसमें खोजेंगे कि ये लोग पहले भी जो है जेल में गए हैं कि नहीं। और भी कोई साथी के साथ लड़के इसमें? तो अभी फिलहाल 2 लड़का और टोटल 3 आदमी का इसमें हमने सामने आया है, एक माइनर है और बाकी 2 आदमी है। इतनी जल्दी रिकवरी है सर, किस तरह का अवार्ड वगैरह? इसमें निश्चित रूप से जो टीम है वो DSP